हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत यम्मी होता है दोस्तों, आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए, मैंने यहाँ 1.5 गिलास दूध ले लिया है, इसको मैं उबाल रही हूँ थोड़ा। ये देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा दूध रूम टेम्परेचर में रख लिया था उबाल के इसको। अब मैं इसमें अपना कस्टर्ड पाउडर ऐड करूंगी। ये देखिए, ये है वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड है। मैं पहले कस्टर्ड को ठंडे दूध के साथ मिला लूंगी। 2 चम्मच, और उसके बाद हम इसको गर्म दूध में ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिला लेना, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहनी चाहिए। अगर आप ये गर्म दूध में कस्टर्ड डाल दोगे ना पाउडर, तो उसमें लम्प्स आ जाएंगे, कस्टर्ड बिगड़ जाएगा। ये देखिए, हमारा दूध में भी उबाल आ गया है। इसको मैं थोड़ा चला लूँगी। 1-2 मिनट आप दूध को उबाल लेना, थोड़ा सा थिक कर लेना, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ठीक हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड की स्लरी। ये देखिए, तुरंत ही इसका कलर चेंज हो गया है कस्टर्ड की वजह से। आप इसको चलाते रहना, 1-2 मिनट बाद ये एकदम तैयार हो जाएगा। आपको अगर इसको ठीक करना है तो आप ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर डाल देना। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच चीनी। आपको जितना मीठा चाहिए हो आप उतना चीनी ले लेना अपने हिसाब से। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको चलाते रहना, लो फ्लेम में करना। कस्टर्ड नीचे लग जाता है, इसलिए आप इसको चलाते रहना। मैंने ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला है, मुझे थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी में चाहिए। ये देखिए, एक उबाल आ गया है हमारा कस्टर्ड में। इसको हम अब अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा सा थिक भी हो गया है ये। ये देखिए, लगभग तैयार हो गया है। थोड़ा सा मात्रा भी इसका कम हो गया है। हम एक लाइन खींच लेंगे, तो आपको अगर ऐसा दिख जाए तो समझ लेना कि ये बन गया है, और फ्लेम बंद कर देना। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो गया है। मैंने फ्लेम बंद कर लिया है। मैं अब इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रख दूंगी, और बाद में ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में डाल दूंगी। ये देखिए, कस्टर्ड निकाल लिया है मैंने, एकदम ठंडा ठंडा, एकदम क्रीमी टेक्सचर में, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। ये देखिए, मैंने ये ले लिया है थोड़ा सा बनाना, थोड़ी सी ग्रीन और रेड टूटी फूटी, थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ, थोड़ा सा ग्रेप्स, थोड़ा सा एप्पल, और ये थोड़ा सा पोमग्रेनेट। आप चाहे तो और भी फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो चलिए हम अब फ्रूट्स ऐड करते हैं। ये देखिए, मैं सारे फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, गरम कस्टर्ड में फ्रूट्स मत डालना, उसको ठंडा करने के बाद ही डालना, नहीं तो फ्रूट्स गल जाएंगे। सर्व करने के वक्त ही आप फ्रूट्स डालना और सर्व करना। मैं ये ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ी सी टूटी फूटी, आप ये स्किप भी कर सकते हो। और ये थोड़ा सा पिस्ता। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ये सारे फ्रूट्स के साथ, हेल्दी भी है टेस्टी भी है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना हल्के हाथों से, मेस मत करना, फ्रूट्स को बड़ा बड़ा काटना ताकि वो आपके मुंह में आए। तो
तो उसका फ्लेवर आए। चलिए हम कर लेते हैं इसका प्लेटिंग। आपके घर पे अगर पार्टी हो या फिर फ्रेंड्स आए हुए हो तो आप ये डिजर्ट जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही डिलीशियस होता है, इजी भी है और हेल्दी भी है, बहुत सारे फ्रूट्स के साथ। ये देखिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और बहुत ही अच्छा लगता है टूटी फ्रूटी इसमें, और ये थोड़ा सा पिस्ता। आप इसको घर पे जरूर ट्राई करना दोस्तों। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।